हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद जेटली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं सबके मंगल भक्ष की कामना करता हूँ। आज मैं रामायण के कुछ चौपाई और दोहों का श्रवण आपके सामने कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब रामजन जी 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तो उसमें उन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए। पुनः साम्राज्य की स्थापना के लिए, राम राज्य की स्थापना करने के लिए पुनः आयोजन किया गया और राम राज्य की स्थापना की शुरुआत की गई। और राम राज्य शुरू करने के लिए सब लोगों ने अपने अपने समय व्यक्त की और श्री राम भगवान को राजगद्दी पुनः से उनको अयोध्या का राज चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी संबंध में दोस्तों, जब सभी प्रकार की सब प्रकार से संपन्नता आ गई, सब प्रकार से सब लोग सुखी हो गए, सब कुछ सब सही हो गया और रामचंद्र जी अयोध्या में लौट गए और राज्य की स्थापना भी होगी और ब्राह्मणों और सभी लोगों को का सम्मान हुआ और गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी को सब लोगों को बुलाया गया और उनके राज तिलक की पुनः तैयारी की गई। इसी तैयारी में दोस्तों, आज उत्तराखंड में नवाहन पारायण 8वां विश्राम, जब अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई थी और देवताओं ने पुण्यों की वर्षा की झड़ी लगा दी थी, श्री राम जी के सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। और भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि जो भी उनके राम हनुमान जी थे करुणा निदान, श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भगवान वत्सल कृपाल प्रभु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया और भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर पा सकते थे। दोस्तों, फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएँ खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए और अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव उनका जो आभूषण के अंग को देखकर सैकड़ों कामदेव भी हारमान हो गई। सभी सासुओं ने जो कि उनके सासू ने जानकी जी ने आदर के साथ तुरंत ही स्नान सभी सासुओं को स्नान करवाया और उनकी पत्नी जानकी जी ने और उनके अंग में दिव्य अस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दी और पहना दी। इसी प्रकार श्री राम जी ने बाई और रूप और गुणों की खान रमा जानकी जी को शोभित उनके बाएं अंग में शोभित हो गई। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हो गई और इसी तारतम्य में दोस्तों, काग भुषंडी जी कहते हैं कि ही पक्षीराज गरुड़ जी सुनी इस समय ब्रह्मा जी शिव जी और मुनियों के समूह और विमानों से चढ़कर सब देवता आनंदमय भगवान के दर्शन करने के लिए आए। और इसी समय काकभूषणी जी तब ब्रह्मा अजन्मा और अद्वैत केवल अनुभवों से ही जाना जाता है और मन से परे हैं, जो इस प्रकार कहकर ब्रह्मा का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें कि जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश गाते हैं। वहाँ की प्रजा कह रही है, हे करुणा की धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहाँ पर पधारे थे। हम सब बर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में प्रेम करें। सभी अयोध्या के वासी ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार वेदों ने सच के देखते यह श्रेष्ठ विनती की। फिर हुई अंतर ध्यान हो गई, वेद सब ब्रह्मलोक को चले गई। और इसी तारतम्य में दोस्तों, काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, बैत नहीं सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय विनय करत गद गद गिरा पुरित भूलग शरीर।
काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, जब शिव जी वहाँ आए वहाँ श्री रघुवीर और श्री सदगु श्री गदगद वाणी से स्तुति करने लगे और उनका आश्रय पुलकावली से पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर उनका उनके द्वारा गदगद स्तुति की गई, उन्होंने रघुवीर की स्तुति की। जय राम रमा रमनम समनम बहुताव्या वैभारणम अवधी सुधीश रमीश विभु शरणागत भार्गत भाई प्रभु। हे राम हे रामाय हे रमा रमा रमण लक्ष्मीकांत ही जन्मरण की श्रद्धा का नाश करने वाली आपकी जय हो। आवागमन की भैसी व्याकुल सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति हे देवा देवताओं के स्वामी हे रमापति हे विभु मैं शरणागत आपकी आपसे वही मांगता हूँ कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। काकभूषणी जी कहते हैं कि गरुड़ जी सुनी, तब शिवजी यहाँ पर अपनी शिवजी वहाँ आए और उन्होंने रघुवीर जी की विनती की। वह शिवजी भी उनकी विनती करते हैं, दस शीस बिना सन बीस भुजा तत दूरी महामहिभू रुझा रहनी चर वृंद पतंग रही सर्वावगति भजन रही। हे दस शीर शीस बीस भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी राक्षस समूह रूपी को जो पतंग थे वे सब आ गई भाण रूपी अग्नि से प्रचंड से भस्म हो गई। मही मंडन मंडन चारु तरंग दुसायक चापुंज शंख बरंग मद मोह महा मम तारजनी तम पुंज दिवाकर तेजनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं, आप शीर्ष बाण धनुष और सरकस धारण किए हुए हैं, महान है मद मोह और ममता रूपी राज्य के अंधकार के नाश करते करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निभात की मृग रोग शरीरी हरिनाद अनादि भाई हरे विषया मन पावन भूल भरे कामदेव रूपी भील गई मनुष्य रूपी हृणु के हृदय में कुभोग रूपी बाण मार कर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ हे पाप ताप का वरण करने वाले हरे या हरे है उस मानकार विषय रूप बन में भूले हुए भूले बड़े इन पामार अनाथ अनाथियों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग निरोग हे बहुदंड निरादर की भले बहु सिंधु अगाध परे नर दे पद पद पंकज प्रेम दे कर दे। लोग बहुत बहुत से रोगों और वियोगों दुखों के मारे हुए हैं, ये सब आके शरणों के निरादर निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते यथा बहु सागर श्री में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी निदही जिनकी पद पंकज पीत नहीं अवलंब भवंत करा जिनकी प्रिय संत अनंत सदा तिनकी। जिन्हें आके चरण कमलों में प्रीत नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत भगवान भगवान सदा प्रिया लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा जिनकी रम में बहुआ विपदा एक दवल सेवक भूत मुदा मुनि त्यागत जोग बरो सदा। उनमें न राग आ सकती है न लोभ है न मान है न मद है उनको असन्मति असम्मति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपकी सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर नहीं मिलिए पद पंगत जीवक शुद्ध ही समान निरादर आदर ही सब संत की बिरजंत वही मही। हे प्रेम पूर्वक का नियम लेखा निरंतर शुद्ध हृदय की आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचारते हैं। मुनिमान सपंगत भ्रंग भजे रघुवीर महारणी चल गजे तव नाम जबा जमामि नमामि हरि बहुरोगदागमाने हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर हे महारणी एवं अचे रघुवीर मैं आपको भजता हूँ आपको शरण ग्रहण करता हूँ हे हरि आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रूप की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील गवा वरण
प्रणाम निरंतर श्री रमण रघुनंद निकन्दयाद्वंदघन महिपाल विलोक दीन धन आप गुण शील और कृपा के परम स्थान ही आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतरा प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन आप जन्म मरण सुखा दुखा राग द्वया द्विषादी दुधा द्वंद समूह का नाश कर दीजिए। हे पृथ्वी पालना करने वाले राजन इस दिन जननी की ओर भी दृष्टि डाली। बार बार भर मांगू हर श्रीव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। मैं आपको बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके या भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनि उमापति राम गुना हर गई कैलाश बरनि उमापति राम गुना हर गई कैलाश श्री राम जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गयी। तब प्रभु पन्नों को सब प्रकार से सुख देने वाली धीरे दिलवाई। मंगल भवन मंगल हारी उमा सही जी जबत बुरारी दीन दयाल विजंबारी हरुना मंगल भारी मोसम दीन दीन हितान रघुवीर हरिजारी। दोस्तों ये थी उत्तरकांड रामायण में रामचरितमानस मानस की उत्तरकांड की सुंदर चौपाइयाँ, जिसमें भगवान शिव जी भी जब रामचंद्र का पुनः राजाभिषेक होता है तब वो उनके गुणों का बखान करते हुए नवान पारायण आठवां विश्राम के अंतर्गत भगवान रामजन से आराधना करते हैं और आराधना करके सभी जीवों के लिए सभी प्राणियों की सभी या जलचर नवचर और थलचर तीनों प्रकार की प्राणियों की रक्षा करने के लिए भगवान से विनय करते हैं और फिर विनय करके वह कैलाश धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार उत्तरकांड की भगवान शिवजी द्वारा रामचंद्र की विनय विनती करने के कुछ चौपाई और दोहे मैंने आपको श्रवण करवाई। लगता है दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार हम श्री रामचरितमानस के अनेक प्रकार के प्रकरणों का ध्यान रखें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सरस्वती माता की बृहस्पति की शुभ अवसर पर अपनी व्रत पूजा और भगवान का स्मरण करते हुए हमें भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जिस प्रकार भगवान शिव जी ने सभी जलचर थलचर नवचर तीनों प्राणियों की रक्षा करने के लिए भगवान से पुनः आराधना की जब उनका राज्याभिषेक हो गया, इसी प्रकार दोस्तों हमको भी सबके जीवन की रक्षा करने के लिए भगवान से रात दिन विनय करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन है। इसी से हम जीवन में सुख शांति और सद्भाव और प्रेम की धारा में बह सकते हैं। सब इसी प्रकार दोस्तों आज के प्रकरण में मैंने उत्तरकांड के श्री शिवजी द्वारा राम भक्ति की राम विनय की राम स्तुति की जो चौपाई और दोहों के रूप में वर्णन किया उसका सबके सामने वर्णन किया। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान श्री राम जी का सब पर कृपा बनी रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग को अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर आदमी हर व्यक्ति हर प्राणी भक्ति मार्ग पर चलने की और चलें। इसी से हमारा जीवन उत्तम और सरल बन सकता है। इसी से हम मोक्ष प्राप्त की ओर जा सकते हैं। यही हमें भगवान शिव और भगवान रामचंद्र जी और सभी देव देवताओं से इसी प्रकार की प्रेरणा मिलती है। अंत में मैं सबके मंगल भविष्य के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा आशीर्वाद सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों किसी अन्य
इसके बाद किसी अन्य ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको पुनः कोई नई चीज सुनाऊंगा। सबके मंगल भविष्य के साथ सबका आज का श्री सरस्वती बृहस्पतिवार का दिन है। सरस्वती मैया की कृपा, श्री रामचंद्र की कृपा, श्री शिवजी भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना। ओम मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जगत गुरारी दीन दयाल विसंवारी हर हुना मौसम दीन दीन हिताओ तुम समान रघुवीर अश्विचार रघुवंश मनी हर विसंभव मेरी भववाधा हरु राधा नाम ऋषो जातन की जाय प्री श्याम उदित उदय गिरी मंच बराओ रघुबर बाल वतन भिक्षे संत सरोज बनाओ हर्षे रूपन मुद मंगलमयी संत समाजु जिमजा जंगम तीरज राजु गरल सुधार कर विदाई कोवत सिंह राम नाम मंगलकारी राम नाम मंगलकारी राम राम नाम मंगलकारी राम नाम मंगलकारी स स स स यह तो राम दायुली नाम कुल समी जन बाहु राम नाम मंगलकारी विघ्न रूर पातक हारी राम नाम मंगलकारी विघ्न रूर पातक सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधेपति कृष्ण भगवान की जय सभी देव देवताओं की जय इष्ट देवता सभी इष्ट देवताभ्याम नमः ओम समस्त देवी देवताभ्याम नमः ओम शांति इसी प्रकार दोस्तों भगवान रामचंद्र का स्मरण मानसपरायण रामचरित मानस का पठन पाठन सभी लोगों को थोड़ा बहुत करना चाहिए। इसी से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ भगवान रामचंद्र जी के पास सभी का बने रहे सबको मिला।